देखो टाइमिंग सही ना होने का दो रीजन होता है, या तो मैंने एक ड्रिल डिजाइन किया है आपके लिए जो कि बहुत इजी ड्रिल है पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। सो हेलो क्रिकेटर्स, दिस इज उमंग सेठी एंड यू आर वाचिंग मॉडर्न डे क्रिकेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू इंप्रूव योर टाइमिंग, मतलब किस तरह से हम बॉल को परफेक्टली टाइम कर सकते हैं बैटिंग के समय। सबसे पहले समझते हैं कि टाइमिंग होता क्या है। टाइमिंग इज बेसिकली द आर्ट ऑफ हिटिंग द बॉल एट द राइट टाइम, मतलब एक सही समय में जब हमारे बैट और बॉल का सही मिलाप हो उसे टाइमिंग कहते हैं। हिंदी को ज़्यादा ही शुद्ध हो गई। एडवांटेज क्या होता है टाइमिंग का? एडवांटेज ये होता है कि एक अच्छे टाइमिंग के साथ एक कमज़ोर व्यक्ति भी बहुत ही पावरफुल शॉट मार सकता है, पर अगर टाइमिंग सही ना हो तो एक पावरफुल इंसान का भी शॉट बहुत ही कमज़ोर सा लग सकता है। वो 30 yard ही पार नहीं कर पाएगा, ये बाउंड्री तक भी रीच नहीं कर पाएगा बॉल। वर्ल्ड के जो टॉप 4 बेस्ट प्लेयर्स हैं वो है विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूट, स्टीव स्मिथ, उसमें एक और नाम ऐड कर दीजिए बाबर आजम, जो टॉप 5 फैब 5 जो है उन सब के बैटिंग में एक चीज़ कॉमन है, क्या वो है? उनकी टाइमिंग। उनकी टाइमिंग की वजह से आज वो अपने फील्ड में बहुत ही एक्सेलेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अपने टाइमिंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको 3 points बताऊंगा और उसके बाद एक परफेक्ट ड्रिल बताऊंगा आपकी टाइमिंग इम्प्रूव करने के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्रिकेटर्स, जो पहला पॉइंट है उसमें हमें रीज़न समझना है कि हमारा टाइमिंग क्यों सही नहीं हो रहा। देखो टाइमिंग सही ना होने का दो रीज़न होता है, या तो आप बॉल को बहुत जल्दी खेल दे रहे हो या तो बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहे हो। अगर मैं बॉल को यहीं से खेल दूंगा तो टाइमिंग सही नहीं बैठेगा, और यही अगर बॉल को मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा मेरा बॉडी उतना क्विक रिएक्ट नहीं करेगा तो फिर भी सही टाइमिंग नहीं बैठेगा। तो अगर आप ये सेकंड कैटेगरी में आते हो कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहे हो, आपका फुटवर्क नहीं चल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको अपने फुटवर्क पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको लैडर ड्रिल्स करने पड़ेंगे, आपको स्किपिंग करना पड़ेगा, आपको अपने रिफ्लेक्सेस फास्ट करने पड़ेंगे, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। पर अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो कि आप बहुत ज़्यादा दूर से खेल दे रहे हो बॉल को आने नहीं दे रहे हो, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड ड्रिल मैंने रखा है वीडियो के एंड में, उसमें मैं ड्रिल बता दूंगा, तो बहुत ईजी से वो ड्रिल आप कर लोगे और ये प्रॉब्लम आपका पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। सबसे पहले आइए क्रिकेटर्स टाइमिंग का हम एक ईजी सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस दो बॉल को मैं दूर से अगर फेंकूंगा, मेरा एम है, मेरा टारगेट ये है कि दोनों बॉल को यहाँ पर हमें मीट करवाना है, ठीक है? मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ, मीट नहीं होगा। और यही अगर मैं ये दो बॉल को पास ले आकर यहाँ से करूँगा तो दोनों बॉल मीट हो गया। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ से फेंक रहा था तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे किस स्पेस में फेंकना है, किस एंगल में फेंकना है, किस लाइन में फेंकना है कि एक परफेक्ट टाइमिंग बैठे और दोनों जाकर यहाँ पर मीट हो, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा दूर है। पर यही जब मैंने दोनों को यहाँ से फेंका मुझे एक फेयर आइडिया था कि किस स्पेस में फेंकना है, किस एंगल में फेंकना है, तो दोनों बॉल ने यहाँ पर जाकर एक दूसरे को हिट किया और एक परफेक्ट टाइमिंग बैठा है यहाँ पर। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारे बैटिंग में भी लगता है। सेम हम जब बैटिंग करते हैं, बैटिंग करते समय जब बॉल हमसे दूर है बॉल, अगर हम दूर से इस तरह से शॉट मारेंगे तो बहुत कम चांस है कि टाइमिंग सही बैठे। पर यही अगर बॉल को जैसे मैंने यहाँ पर कितने सामने से किया तो लग गया, सामने से किया, दोनों बॉल ने एक दूसरे को हिट किया, उसी तरह से अगर बॉल को हम अलाउ करें अपने पास आने दें तो जितना ज़्यादा चीज़ें हमारे पास रहेंगी उतना ज़्यादा कंट्रोल हमारा ज़्यादा रहेगा उन चीज़ों पर। बॉल को आने दो अपने पास, अपने हेड के नीचे खेलो, आराम से ऐसे खेलो तो टाइमिंग भी एकदम प्रॉपर होगा। हमेशा जब भी टाइमिंग सही करना है लेट द बॉल कम टू यू, हमेशा हेड के नीचे खेलो और बॉल को अपने तक आने दो। तो क्रिकेटर्स जो सेकंड पॉइंट है वो है कि हम बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारने चल जाते हैं। जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है कि हमें रन्स चाहिए, हमें टीम को एक ख़राब सिचुएशन से बाहर निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि हम रन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर से बैट चलाते हैं, जिसकी वजह से एक परफेक्ट मिडलिंग नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ज़ोर से नहीं मारना है। सबसे बड़ा पॉइंट है, गोल्डन रूल है टाइमिंग का कि आपको ज़ोर से नहीं मारना है, क्योंकि आप जब भी ज़ोर से मारने जाओगे मैक्सिमम टाइम क्या होगा, आपका बॉडी हिल जाएगा, आपका पोजीशन हिल जाएगा, आपका टाइमिंग सही नहीं बैठेगा। तो हमें हमेशा ट्राई करना है बॉल को लेट खेलने का, ज़ोर से मारने का कभी ट्राई मत करना। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जब भी आप बैटिंग कर रहे हो ना, ऑलवेज प्ले द बॉल 0.1% लेट देन यू थिंक। इसका मतलब क्या है, आप जब भी बैटिंग कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कि अभी मेरे को शॉट मारना चाहिए, उससे 0.1 second रुक कर शॉट मारो, 0.1 second ना हल्का वेट करके शॉट मारो। इससे होता ये है कि आप बॉल को अलाउ कर रहे हो आप तक आने के लिए, आप नहीं जा रहे हो बॉल के पास, आप जाओगे तो आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। लेट द बॉल कम टू यू, ओके? ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बहुत जल्दी बॉल को मार देते हैं। अब इस चीज़ को परफेक्ट करने के लिए मैंने एक ड्रिल डिज़ाइन किया है आपके लिए जो कि बहुत ईजी ड्रिल है पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत सिंपल है। आप अपने पार्टनर को कि आपको सामने से अंडर आर्म बॉल फीड करे, जैसे ही उसके हाथ से बॉल छुटे
आपको अपने मन में काउंट करना है 1, 2, 3, 3 तक गिनती गिननी है, उसके बाद आपको शॉट खेलना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बैटिंग कर रहा हूँ, वहाँ से उसके हाथ से बॉल छूटा 1, 2, 3, अगेन बैटिंग कर रहा हूँ 1, 2, 3। इससे होगा ये कि हमारे दिमाग को पता है कि हमें एक प्रोसीजर कंप्लीट करना है, एक प्रोसेस कंप्लीट करना है, फिर जाना है बॉल को खेलने। तो उस हिसाब से अपना पैर निकालते हो और ये करने से आप ऑटोमेटिकली 0.1 सेकेंड लेट खेलते हो। मतलब आप जब सोच रहे हो आपको बॉल खेलना है, उससे 0.1 सेकेंड लेट खेलते हो ऑटोमेटिकली। तो वो अलग से आपको कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है। तो ये चीज़ प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट कर सकते हो, इससे बहुत सिग्निफिकेंट आपको इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। बाकी मैं ये प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ, लेट्स गो। 1, 2, 3। सो क्रिकेटर्स, ये था वो ड्रिल, और इस ड्रिल में आपको कुछ बातें याद रखनी है। फर्स्ट कि इसका सिर्फ आपको नॉकिंग ही करना है, आपको नेट्स में ये ट्राई नहीं करना। आप नेट्स में कहीं मत करना कि 1, 2, 3 उसमें, क्योंकि बॉलर अपने पेस में फेंक रहा है, आप लेट हो जाओगे। आपको यहाँ पर ये चीज़ इसलिए करना है सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग बैठे, आपको एक समझ आए कि किस समय बॉल को मारने से आपका परफेक्ट टाइमिंग हो रहा है, फिर वो ऑटोमेटिकली नेट्स में भी आ जाएगा, आपको कॉन्शियसली नहीं करना पड़ेगा। और एक परफेक्ट टाइमिंग में बैकलिफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो इस वीडियो के बाद मिस्टेक्स वी शुड अवॉइड व्हाइल टेकिंग बैकलिफ्ट भी देख लेना। तो ये 3 पॉइंट्स आप ज़रूर से ध्यान में रखना, इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा आपकी बैटिंग में। एंड होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को बताओ इस चैनल के बारे में। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दो, सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ या कोई भी न्यू क्रिकेटिंग कॉन्सेप्ट आए वो चीज़ें आपसे मिस ना हो। और अगर मॉडर्न डे क्रिकेट को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो ज़रूर से जाकर इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ।